गुरु प्यारी सात संगत जीओ, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जीओ, जैसा कि आप अपने नज़दीकी सत्संग सेंटर में सत्संग सुनने के लिए जाते होंगे, या आपको पता भी होगा कि 45 मिनट से ऊपर सत्संग नहीं फरमा सकते हैं। ये 45 मिनट सत्संग फरमाने की मुहिम जो है, ये महाराज जगत सिंह जी ने शुरू की थी, क्योंकि वो एक प्रोफेसर थे। उनका ये मानना था कि 45 मिनट से ऊपर ध्यान नहीं लग सकता। लेकिन गुरु प्यारी सात संगत जियो, कुछ ऐसे सत्संग होते हैं जो 45 मिनट से पहले नहीं ख़त्म किए जा सकते। जैसा कि आज का ये सत्संग संत कबीर साहिब जी महाराज की बाणी में से लिया जा रहा है, जिस सत्संग का फरमान है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। प्यारी सात संगत जियो, इस सत्संग में इतनी रूहानी भरी हुई है कि अगर इस सत्संग को 45 मिनट में खत्म करेंगे तो ये अधूरा ज्ञान होगा। सत्संग लंबा जरूर होगा, लेकिन संपूर्ण ज्ञान होगा। तो आज का यह सत्संग बहुत ही विशेष सत्संग होने जा रहा है, जो संत कबीर साहिब जी महाराज की वाणी में से लिया जा रहा है। वैसे तो आमतौर पर हम सत्संग की लिमिट जो है वो 45 मिनट से कम या 45 मिनट तक ही रखते हैं, लेकिन आज का ये थोड़ा सा सत्संग लंबा जरूर होगा, लेकिन संपूर्ण ज्ञान वाला सत्संग होगा। तो एक छोटी सी बेनती जरूर करना चाहूँगा आपसे। बाबा जी जैसे पहले बीमार चल रहे थे, तो अभी घबराने की कोई बात नहीं है। बाबा जी जल्द ही डेरा ब्यास में वापस लौट रहे हैं, उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है। जैसे कि बाबा जी के रिगार्डिंग नई नई अपडेट्स प्राप्त करने के लिए बाबा जी कहाँ हैं और बाबा जी कैसे हैं, वो प्राप्त करने के लिए हमारे सतगुरु मार्ग टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्योंकि YouTube पे हम इसको पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो आओ आज का ये विशेष सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग के वचन, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कबीर साहिब का शब्द है। आप फरमाते हैं कि यह जो शरीर है, रूह या आत्मा के रहने का महल है। फिर कहते हैं कि ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्मा, पार ब्रह्मा, खुद खुदा भी इसके अंदर हैं। बाहर ना किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। बाहर क्या है? कागज, पत्थर और पानी। तीर्थों पर पानी है, मूर्तियां पत्थर से बनी हुई हैं और किताबें कागज की हैं। और तो कुछ नहीं, लेकिन जो ग्रंथ, पोथियां, वेद शास्त्र हैं, ये सारे नाम की महिमा करते हैं। किताबों में नाम की महिमा है, उनमें नाम या परमात्मा खुद नहीं है, वह तो तुम्हारे अंदर है। वह जब भी मिलेगा अपने अंदर ही मिलेगा, बाहर नहीं। अब कहते हैं कि तुम इस शरीर रूपी महल में दाखिल हो जाओ, तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर है। अंदर आंखों से ऊपर चढ़ो और उसके प्रत्यक्ष दीदार करो। काम, क्रोध, मद, लोभ विसारो, सील, संतोष, क्षमा, सत धारो। कहते हैं कि अगर अंदर जाना है, उससे मिलना है, तो पहले अपने दिल को साफ करो और ये चीज़ें छोड़ दो, यानी सबसे पहले काम को छोड़ दो, क्योंकि कामी पुरुष अंदर नहीं जा सकता। काम और नाम की दुश्मनी है। जिस हृदय में काम है, वहाँ नाम असर नहीं करता। नाम हमें ऊंचे रूहानी मंडलों पर ले जाता है, जबकि काम में रूह नीचे गिरती है और क्रोध में रूह फैलती है। इसलिए हमें क्या करना है? एकाग्रता यानी कंसंट्रेट से रूह को समेट कर ऊपर ले जाना है। इसलिए क्रोध भी छोड़ दो। अगर अहंकार है तो भी रूह अंदर नहीं जा सकती। इसी तरह लोभ और मोह भी छोड़ दो, क्योंकि ये भी रूह के अंदर जाने में रुकावट डालते हैं। फिर क्या करो? काम की जगह शील से काम लो, क्रोध के बदले क्षमा से काम लो, लोभ के बदले संतोष और मोह के बदले विवेक से
काम लेना शुरू कर दो। इसी तरह अहंकार के बदले दीनता अपना लो। दूसरे मायने में आसुरी संपदा छोड़ दो और दैवी संपदा ले लो, यानी जो सहायक शक्तियां हैं उनको ले लो और जो विरोधी शक्तियां हैं उनको छोड़ दो। मंद मास मिथ्या तजिडारो हो ज्ञान घोड़े असवार भ्रम से न्यारा है। कहते हैं शराब छोड़ दो, मांस छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो। इन तीनों को छोड़कर फिर अंदर जाओ। अगर इन तीनों में से एक भी चीज है तो रूह अंदर नहीं जा सकती। धोती नेति वस्ती पाओ आसन पदम जुगत से लाओ। आंखों से नीचे नीचे संतों का अपना मार्ग नहीं, आई समझ। ये कबीर साहिब इसलिए कह रहे हैं कि कोई ये न कहे कि संत आंखों से ऊपर चले गए, नीचे का उन्हें पता ही नहीं है। दूसरे लफ्जों में वे ऊपर ही नहीं गए। गुरु नानक देव जी और अन्य संतों ने गैर जरूरी समझते हुए नीचे का हाल बयान नहीं किया है, मगर कबीर साहिब ने नीचे और ऊपर दोनों का हाल बयान किया है। याद रखने वाली बात यह है कि आंखों से नीचे के आसन करने वाले महात्मा नीचे रह जाते हैं और उनके सेवक भी नीचे रह जाते हैं। अब कबीर साहिब हठ योग के तीन साधनों का वर्णन कर रहे हैं, धोती वस्ती और नेति। धोती में कबीर तीन अंगुल चौड़ा और 8-10 हाथ लंबा मलमल का कपड़ा लेकर पानी में भिगोकर निगल जाते हैं और थोड़ी देर रुकने के बाद वापस बाहर निकाल देते हैं। इससे आंतों की मैल दूर हो जाती है। वस्ती कहो या एनिमा, इसमें नीचे से पानी चढ़ाकर वह खाना जो पखाना बन चुका है बाहर निकाल देते हैं। अब अंदर कोई मैल नहीं रही। नेति क्या, एक रेशम का डोरा होता है, उस पर मोम लगा लेते हैं। वह नाक के एक सुराख से चढ़ाकर उसका सिरा मुंह के बीच में से निकाल लेते हैं। इससे जो दिमाग की बलगम होती है निकल जाती है। अब योगी प्राणायाम शुरू करते हैं। क्या पूरक कुंभक और रेचक। पूरक यानी श्वास का भरना, कुंभक ठहराना और रेचक खाली करना। अब 8 किस्म का कुंभक और 8 ही किस्म का रेचक है। इनका अपना अपना हिसाब होता है और फिर इसे बढ़ाते चले जाते हैं। कई कई घंटे श्वास नहीं लेते। कुंभक कर रेचक करवाओ पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। कहते हैं योगी मूल चक्र पर बैठकर पद्मासन लगाकर सांस भरते ठहराते और खाली करते हैं। पद्मासन ये है, एक पैर उठाकर दूसरे पर और दूसरे पैर को उठाकर पहले पर रखकर आलथी पालथी मारकर बैठ जाना। फिर तवज्जो यानी ध्यान कहाँ रखते हैं, मूल चक्र में। मूल चक्र गणेश चक्र को कहते हैं। मूल कंवल दल चतुर बखानो कलिंग जाप लाल रंग मानो। मूल चक्र या गुदा चक्र 4 दल का कमल है। यहाँ योगी कलिंग कलिंग का जाप करते हैं। गुदा चक्र का वर्णन रंग लाल है, यानी यहाँ की जो रोशनी है वह लाल है और जो देवता या मालिक है वह गणेश है। देव गणेश तह रोपा थानो रिद्ध सिद्ध चंवर ढुलारा है। जब मूल चक्र को पार कर लो तो रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां आ जाती हैं। हिंदू में जैसे ये कहा जाता है कि पहले गणेश की पूजा कर लो, यह मुख्य पूजा है। इसका अर्थ है कि अगर गणेश की पूजा करो तो मनोरथ सिद्ध यानी पूरे हो जाते हैं। अब पंडित तो कहते हैं कि गणेश की पूजा करो, मगर होता क्या है, उधर दुकान खोलनी है और इधर पूजा भी करनी है, क्या करते हैं, कहते हैं बुलाओ पंडित जी को। भी पंडित जी मूर्तियां ले आते हैं। अगर मूर्तियां नहीं लाते तो गुड़ की डली पर धागा लपेट लेते हैं,
पूजा हो गई। जब दुकान खोली वह चली नहीं तो कहते हैं कि जी पूजा तो की लेकिन बना कुछ नहीं। बने क्या? पूजा की या क्या किया? असली पूजा तो प्राणायाम करके अंदर जाना और गणेश जी के दर्शन करना था, वह किया नहीं, फिर मिले क्या? असली पूजा तो प्राणायाम करके अंदर जाना और गणेश जी के दर्शन करना था, वह किया नहीं, फिर मिले क्या? गणपति के दर्शन करने से रिद्धियां सिद्धियां हासिल हो जाती हैं और उनकी बदौलत दुनिया की चीज़ें मिल जाती हैं। यह जो रिद्धियां सिद्धियां हैं ये करामाते हैं, संतमत वाले इधर नहीं जाते। जो रिद्धियों सिद्धियों वाले महात्मा हैं उनके पास क्या होता है? कोई पुत्र देता है, कोई धन देता है, कोई जो संतों के सत्संगी हैं वे इन चीज़ों को नहीं छेड़ते, ना ही वे संतों से करामाते मांगते हैं। संतों से करामाते मांगना बेवकूफ़ी है। स्वाद चक्र षठ दल विसारो ब्रह्मा सवित्री रूप निहारो। जब ये मूल चक्र पार हो जाता है तब आते हैं इंद्रिय चक्र में। इस चक्र को पार करने वालों का अपना अपना हिसाब होता है। कोई 50,000 माला फेरता है, कोई 1,00,000, किसी का 1,50,000 का सुमिरन होता है। अब कहते हैं कि स्वाद चक्र का रंग श्याम है, गणेश चक्र में पृथ्वी का तत्व है, इस जगह पानी का तत्व है, यहाँ 6 दल का कमल है, इसके मालिक ब्रह्मा और सावित्री हैं। जिस ब्रह्मा को मुसलमान मैकाइल कहते हैं, जो दुनिया को पैदा करता है। उल्टी नागनी का सिर मारो तहां शब्द ओंकारा है। यहां पर बैठकर योगी ओम ओम का जाप करते हैं, लेकिन वहां वह ओम शब्द नहीं जो नाम की शक्ति है, बल्कि इन 6 चक्रों में है ही नहीं, इन 6 चक्रों में जाप ही जाप है। यहां पर बैठकर योगी ओम ओम का जाप करते हैं, लेकिन वहां वह ओम शब्द नहीं जो नाम की शक्ति है, बल्कि इन 6 चक्रों में है ही नहीं, इन 6 चक्रों में जाप ही जाप है। यहाँ पर एक रग है जिसको कुंडलिनी कहते हैं, योगी इसको मेरुदंड, जिसको स्पाइनल कार्ड या रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, से जोड़ते हैं। नाभि अष्टदल कमल दल साजा सेत सिंहासन विष्णु विराजा। नाभि में 8 दल का कमल है जिसका प्रकाश हल्का लाल है और उसका मालिक विष्णु है। अब जो लोग कहते हैं कि विष्णु सृष्टि को पालता है, ठीक कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो खाना पेट में जाता है उसका रस निकाल कर ताकत बनती है। यहाँ पर नसें होती हैं, कोई नस हाथ की ओर जाती है, कोई कान की ओर, कोई नाक की ओर, कोई आँख की ओर, कोई किधर कोई किधर, उनके ज़रिए सारे शरीर को ताकत मिलती है। यह ताकत कहाँ से मिलती है? नाभि से, विष्णु से। सो ये विष्णु हमारी सेवा के लिए है। अगर मुसलमान नहीं पूजते तो क्या वह उनकी सेवा नहीं करता? अगर ईसाई नहीं पूजते तो क्या वह सेवा नहीं करता? ज़रूर करता है। आत्मा यहाँ दोनों आँखों के पीछे बैठी है और यह विष्णु बहुत नीचे बैठा है। हिरिंग जाप तास मुख गाजा लक्ष्मी शिव आधारा है। यहाँ पर योगी हिरिंग का जाप करते हैं। नाभि का कमल कहाँ से ताकत लेता है? हृदय कमल से। हृदय कमल का मालिक कौन है? शिव और पार्वती। इंसान उल्टा पेड़ है, इसकी जड़ कौन है? दिमाग। आदमी की रूह दिमाग से उतरकर सारे शरीर में फैलती है, फिर अभ्यास द्वारा सिमटकर दिमाग में चली जाती है। नाभि का चक्र शिव और पार्वती से ताकत लेता है। द्वादश कमल हृदय के माही जग गौर शिव ध्यान लगाई। हृदय में 12 दल का कमल है, यह प्राणों का भंडार है, यहाँ का स्वामी शिव है। जिस तरह
गणेश पृथ्वी के तत्व का मालिक है और ब्रह्मा पानी के तत्व का मालिक है। इसी तरह शिव प्राणों के भंडार का मालिक है। सोह शब्द तहां धुन छाई, गन करे जय जय कारा है। कहते हैं इस जगह बैठकर योगी सौ सौ का जाप करते हैं, वेदांति भी सौ सौ का जाप करते हैं। इसको सौ का जाप कहते हैं, यानी ओम और सौ का जाप करना। मैं भी सौ का जाप करता रहा हूँ। षोड़श दल कमल कंठ के माही, ते ही मदवसे अविद्या बाई। कंठ में सोलह दल का कमल है, इसकी मालिक अष्टांगिनी यानी शक्ति है, लेकिन संत इसे अविद्या कहते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु शिव की माँ है, ये तीनों इससे ताकत लेते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु से ताकत लेता है, विष्णु शिव से और शिव अष्टांगी से। इस तरह ये तीनों ही अष्टांगी से ताकत लेते हैं। हरि हर ब्रह्मा चबर ढुराई, जहां रिंग नाम उचारा है। ब्रह्मा विष्णु और शिव इससे ताकत लेते हैं और चंवर ढुलाते हैं, इसको अष्टांगी देवी कहते हैं। यहाँ का जाप श्रृंग है। ता पर कंज कमल है भाई, भग भोरा दुई रूप लखाई। निज मन करत तहाँ ठकुराई, सो नैनन पिछवारा है। दोनों आंखों के बीच में कंज कमल है, इसको हम दिव्य चक्षु कहते हैं। यहाँ पर मन और आत्मा रहते हैं, मगर यहाँ मन और आत्मा दोनों जुड़े हुए हैं। यहाँ आत्मा पर्दों में ढकी हुई है, इसके नीचे नीचे योगियों का मार्ग है, इसीलिए संत अपने सेवकों को इससे नीचे नहीं ले जाते। एक तो इसके नीचे कुछ कीमती जौहर है नहीं, दूसरा काफ़ी साल लग जाते हैं। इस ज़माने में इतनी उम्र है नहीं और ना कोई इतना वक्त दे सकता है। तीसरा इसमें ख्याल नहीं लगता, अगर लगता है तो बहुत देर से। चौथा अगर ख्याल लग भी जाए तो फिर वापस आना मुश्किल हो जाता है। इसके विपरीत संतमत में आसानी है, एक मिनट में जाओ और दूसरे मिनट में आ जाओ। लेकिन कब? जब सुमिरन का कोर्स पूर्ण हो जाए, फिर कुछ तकलीफ नहीं होती। हमारे स्त्रियों और पुरुषों का जब ख्याल सिमट जाता है तो उनके संबंधी या साथियों के पूछने पर मैं कहता हूँ कि उनको पड़े रहने दो, घंटे दो घंटे के बाद खुद ही उठकर बैठ जाएंगे। अगर ना उठें तो रगों को मल दो जो गर्दन के पीछे लगी हुई है, फिर वे फौरन उठ बैठेंगे। मगर प्राणायाम में यह बड़ी भारी तकलीफ है, अगर अभ्यासी का ख्याल लग जाए तो फिर वापस आना मुश्किल हो जाता है। अब कहते हैं कि दोनों आँखों के बीच में जो स्थान है उसको अष्टदल कमल भी कहते हैं। कमलन भेद किया निर्वारा, यह सब रचना पिंड मंझारा। शरीर के चार हिस्से हैं, पिंड, अंड, ब्रह्मांड और सचखंड। दोनों आंखों तक पिंड है, इसके ऊपर अंड, ब्रह्मांड और सचखंड है। ब्रह्मा तक प्रलय होती है और सौ तक महाप्रलय होती है। सचखंड वह देश है जहां ना कोई प्रलय होती है और ना ही महाप्रलय। जो ब्रह्मा की मुक्ति है वह बेशक युगों पर्यंत है, मगर क्या हुआ अगर लाखों साल बाद भी आना पड़ा। इसके विपरीत जो संतों की मुक्ति है वह हमेशा के लिए है, इसलिए संत उसी मुक्ति को मांगते हैं और अपने सेवकों को भी दिलाते हैं। जो छह चक्र हैं ये पिंड देश में हैं। अब कबीर साहिब ऊपर का यानी अपना मत बयान करते हैं। सत्संग कर सतगुरु सिरधारा, वह सतनाम उचारा है। जब हम सतगुरु की संगति में गए, उसने बताया कि तुम्हारा देश सचखंड है
अब योगियों की आखिरी हद यहां से छठे चक्र तक है। कोई कोई योगीश्वर ब्रह्मा तक गया है, सो यो योगियों की आखिरी हद है, वहां से हमारे संतमत की हद शुरू होती है। हमारी मंजिलें ऊपर हैं। यहाँ पिंड देश में स्थूल शरीर और स्थूल माया है, सहजदल कमल में सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म माया है, ब्रह्मा में कारण शरीर और कारण माया है। मन भंवर गुफा तक सूक्ष्म महासूक्ष्म हो जाता है, लेकिन वश में नहीं आता, फिर नीचे गिरा देता है, धोखा दे देता है। सतगुरु का उपदेश है कि इस भंवर गुफा से ऊपर आ जाओ, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। संतों का मत यह है कि जब यहां दोनों आंखों के बीच बैठकर अभ्यास करोगे तो सारी चेतन सत्ता शरीर से निकलकर ऊपर मस्तक में आ जाएगी, शरीर मुर्दा हो जाएगा। हमें प्राणों को नहीं लेना, योगियों ने लिया है। मन और आत्मा तो पहले ही जुड़े हुए हैं, योगियों ने प्राणों को भी ले लिया है, मगर प्राण चिदाकाश से आगे नहीं जाते। प्राण अपना काम करें, हमें उन्हें छोड़ देना है। अगर हम इस तरह आंखें बंद करके बैठ जाएं, तो हमारा दुनिया से क्या ताल्लुक है? कोई नहीं। यह शरीर एक मिट्टी की ढेरी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब आंख खोली तो दुनिया से ताल्लुक हो गया, जबान खोली तो बोले, कान खोले तो सुनना पड़ा। अब कहते हैं आंखों की तवज्जो, कानों की तवज्जो और बोलने की तवज्जो तीनों को काट दो, यानी जो बाहर जाते हैं उनको अंदर ले आओ और अनहद शब्द को सुनो जो सतगुरु बताता है। दोनों तिल एक तार मिलाओ तब देखो गुलजारा है। यह हमारी दोनों आंखें इस तरह हैं, जब हम अभ्यास करेंगे दोनों आंखों की ज्योति तीसरी आंख में आ जाएगी। सुमिरन से सूरत को अंदर ले जाओ, अंदर तीसरी आंख में प्रकाश हो जाएगा। कई असलियत से बेखबर मजहब वाले आंख की रोशनी को देखते हैं। गीता में कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि नाक के अग्र भाग को देखो, रोशनी आ जाएगी, लेकिन वह रहनुमाई नहीं करेगी। कई सत्संगियों को अपनी शक्ल दिखाई देती है, मैं कहता हूँ कि खबरदार, उसका ध्यान नहीं करना, वह अपना स्वरूप बहुत रोशनी देता है। जो भी देखता है वह उठता है, अहं अहं ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्मा हूँ, और वही रह जाता है। वेदांतियों की हद यहीं तक है, कोई कोई ब्रह्मा तक गया मगर कह उठा अहं ब्रह्मास्मि। वेदांत के तीन स्टेशन हैं, नेत्र, हृदय और कंठ। वेदांती तो सूक्ष्म देश सहस्तल कमल में भी नहीं गए, मगर कहते हैं कि हम ब्रह्मा हैं, हमारे सिवाय और कुछ नहीं। मिसाल के तौर पर एक मजदूर कहता है कि मैं बादशाह हूँ, तो वह बादशाह तो नहीं बन जाता। इसी तरह ब्रह्मा कहने से आदमी ब्रह्मा तो नहीं हो सकता। जो व्यास वशिष्ठ जैसे योगेश्वर ज्ञानी हुए हैं, उन लोगों की चढ़ाई थी। आजकल के बहुत से नए वेदांती ना अभ्यास करते हैं ना चढ़ाई, जबानी कह देते हैं हम भी ब्रह्मा, तुम भी ब्रह्मा, मन को तो काबू नहीं करते। सो कहते हैं जब दोनों आंखों की रोशनी तीसरी आंख में आ जाएगी तब अंदर रोशनी पैदा हो जाएगी। संतों की शिक्षा तीसरे तिल से शुरू होती है। चंद सूर एक घर लाओ, सुषमन सेती ध्यान लगाओ। पहले रोशनी आएगी, फिर सूरज और चंद्रमा आएंगे। इसके आगे क्या है? तीन रास्ते हैं, दाया, बाया और बीच का। बीच का सुषुम्ना का है, जिसके अंदर से सूरत को जाना है। त्रिवेणी के संध समाओ, भोर उतर चल पा रहा है।
यह सूक्ष्म इशारा दिया गया है। वर्णन तो बहुत लंबा है। यही गुरु नानक देव जी कहते हैं, पूर्व चढ़े पश्चिम को आवे, रवि शशि दोई इकतर मिलावे, पश्चिम ते जो चढ़े सुमेर, आवे पर दक्षिणा कह फेर, सप्तपुरिया ऊपर कौलासन, तिथे पार ब्रह्मा का आसन, जिन हीरे रतनी लाल परोई, नानक कहे उदासी सोई। यही अन्य महात्मा कहते हैं कि दायां और बायां रास्ता छोड़ दो, बीच के सुषुम्ना के रास्ते से चलो और जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाओ। क्या पता है कब चलें, यानी मर जाना है। घंटा शंख सुनो धुन दोई, सहस दल कमल दल जगमग होई। जब सतगुरु का ध्यान करते हुए अंदर जाओगे, सूरज चंद्रमा का मंडल पार करोगे, तो ऊपर से 10 किस्म की धुनें आएंगी। उसमें कशिश है, आप उनमें से घंटे और शंख की धुन पकड़ लो। जो सहजदल कमल है, वहाँ 1000 बत्ती की बहुत खूबसूरत ज्योत है। बहुत सारे योगी उस ज्योत पर मस्त हुए बैठे हैं। उनका यह आखिरी देश है। तामध करता निरखो सोई, बंक नाल धस पारा है, जिनको त्रिलोकीनाथ कहते हैं। यह सहस्तल कमल उनका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है। राम कृष्ण उसके अवतार हैं। वे इसी जगह स्टेशन से आते हैं। जब योगी सहस्तल कमल को पार कर लेते हैं और आगे जाना चाहते हैं, तो इसके ऊपर एक रग है जो बाल के 10वें हिस्से से बारीक है। वह एक साइफन है, चाहे उसको सुरंग कह लो। यह ब्रह्मा और सहस्तल कमल के बीच एक टेढ़ा रास्ता है। उसके अंदर से रूह अपने आप नहीं निकल सकती। जब गुरु नानक देव जी मक्का रुकनुद्दीन के पास गए, उसने सवाल किया कि खुदा कहाँ रहता है, उसका महल किसके जैसा है, महल के कितने दरवाजे हैं, कितने बुर्ज हैं, कितने कंगूरे हैं। वहाँ गुरु नानक देव जी ने जवाब दिया कि खुदा इंसानी वजूद में रहता है। इस महल के 12 बुर्ज हैं, 3 सीधे हाथ के, एक हाथ दूसरा हाथ से कोहनी तक, तीसरा कोहनी से कंधे तक, 3 उल्टे हाथ के, 3 दाई हाथ, 3 दाई टांग के, 3 बाई टांग के, 9 दरवाजे हैं, आँखें कान नाक वगैरह, और 52 कंगूरे हैं, 20 नाखून और 32 दांत। फिर कहते हैं, ऊपर खास महल पर देवे बांग खुदाए, सुत्ते बांग ना सुन सकन, रिहा खुदाई जगाए। ऐ रुकनुद्दीन, जो आवाज़ ऊपर से आती है वह बुलाती है, मगर लोग सोए हुए हैं, सुनते नहीं। फिर कहते हैं, सुत्ती पई निभाग, बस सुने ना बांगा कोई, जो जागे से सुने साई संधि सोई। कि सारी दुनिया सोई हुई है, जिस पर मालिक दया करे उसको जगा देता है। फिर कहते हैं, रा खुदाई पिहावला, बालहू 10वें पाई, हाथी जाई न सकनी, हो मैं रखे अड़ाई। कि वह बाल से भी बारीक रास्ता है, मन हाथी है, इस बारीक रास्ते से कैसे निकल सकता है। जब ये मन बारीक नम्र और निर्मल हो जाए तब निकल सकता है। एक सत्संगी हुजूर ये भी कहा है, कबीर मुक्त द्वारा संकुरा राई, 10 पाई, मन तौ मैगल होए, रहियो निकसो क्यों कह जाए। डाकिनी साकिनी बहु किलकारें, जम किंकर धर्म दूत अहंकारे। अब सहस्तल कमल में बेशुमार रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां हैं। फिर ऐसी ऐसी खूबसूरत स्त्रियां हैं जिनका नमूना दुनिया में नहीं। इसी तरह स्त्रियों के लिए भी खूबसूरत मर्द हैं। जो स्त्रियां यहाँ कायम नहीं रहती, वे वहाँ पर कैसे बच सकती हैं।
इसी तरह जो मर्द यहाँ कायम नहीं रह सकते, वे वहाँ कैसे बच सकते हैं। इसलिए यहाँ सत्संग में यह शिक्षा दी जाती है कि मन इंद्रियों को काबू में रखो। जिसका मन यहाँ काबू में नहीं, जब वह अभ्यास करके अंदर जाता है तो वे कहती हैं कि तू ये भजन सुमिरन छोड़ दे, हम तुझे बादशाह बना देंगे। अगर स्त्री है तो कहती है कि हम तुझे महारानी बना देंगे, क्योंकि सतगुरु साथ होता है, इसलिए वह अपने शिष्यों को इधर फंसने नहीं देता है। सतनाम सुन भागे सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है। बस सिर्फ जो मंत्र सतगुरु देता है उसको जपो, कोई पास नहीं आएगा। ना यमदूत पास आते हैं, ना धर्मराय पास आता है, और ना काल नज़दीक आता है। गगन मंडल बीच उर्दमुख कोया, गुरमुख साधु भर भर पिया। कहते हैं यह ब्रह्मा का देश है। जिस तरह सहस्रदल कमल में अमृत बरसता है, इसी तरह त्रिकुटी में भी अमृत बरसता है। अब हमें उल्टी चढ़ाई करनी है। यही सप्त ऋषियों ने वाल्मीकि को शिक्षा दी थी कि उल्टा नाम जप। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि पए ब्रह्मा समाना। कि उल्टा नाम जपकर वाल्मीकि ब्रह्मा में पहुंच गया। लोग कहते हैं कि राम राम का उल्टा मरा मरा कहकर ब्रह्मा में पहुंच गया। यह गलत है। जब हम ब्रह्मा में पहुंच गए, वहां एक उल्टा कुआं है जिसमें अमृत है। जब अमृत पिया, जन्मों जन्मों की आशा तृष्णा की प्यास बुझ गई। जो वहां पहुंचे वह साध हैं। रंगे हुए कपड़े पहनने वाले का नाम साध नहीं, घर बार छोड़ने वाले का नाम साध नहीं, बल्कि वहां पहुंचने वाले का नाम साध है। निगुरे प्यास मरे बिन किया, जाके ही ये अंधियारा है। कहते हैं जिन जिन को कोई गुरु मिला उसने नाम दिया, ये मेहनत करके अंदर गए। यह दौलत उनके लिए है, जो अंदर नहीं गए उनके लिए नहीं। वैसे ये दौलत चोरों ठगों और अन्य ऐब पाप करने वालों के अंदर है, मगर उनको कोई कदर नहीं। पहाड़ों में हजारों लाखों हीरे जवाहरात हैं, मगर वहाँ उनका कोड़ी जितना भी मूल्य नहीं। जब जौहरी की दुकान पर लाए गए, उनकी हजारों लाखों रुपए कीमत आंकी गई। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गर्जे बजे नगारा। कहते हैं ब्रह्मा विद्या का भंडार है, ब्रह्मा में से सृष्टि पैदा हुई है। यही पालता है और यही फिर मिटाता है। यहाँ मातलोक में स्थूल माया है, सहस्रदल कमल में सूक्ष्म माया है, और ब्रह्मा में कारण माया है। माया के बिना उत्पत्ति नहीं हो सकती। वहाँ त्रिकुटी में जो धुन उठ रही है बहुत मनमोहिनी है। जिस तरह मृदंग में से अति प्यारी गूंज निकलती है, या जिस तरह बादलों के गर्जने की मीठी मीठी आवाज़। लाल बरन सूरज उजियारा, चतुर कमल मंझार शब्द ओंकारा है। जिस तरह सुबह के सूरज की रोशनी लाल होती है, इस देश का सूरज भी लाल है। इस दुनिया के 1000 सूरज इकट्ठे कर लो तो वहाँ का एक सूरज बनता है। परमेश्वर ने आदमी के अंदर इतनी रोशनी रखी है, पर इस बेचारे को क्या खबर। यहाँ चार दल का कमल है, जो चार वेदों के ऋषियों ने चार महावाक्य लिए हैं, वे यहाँ से लिए हैं, मगर वहाँ जबान नहीं, बल्कि वह ना लिखी जाने वाली और ना बोली जाने वाली धुन है, जो सारी दुनिया को ताकत दे रही है। चार वेद चार धुने हैं, जिनका जबान से वर्णन किया गया, मगर असलियत बयान नहीं की जा सकती। साध सोई जिन ये गढ़ लीना, नौ दरवाजे प्रगट चीना।
जो अपनी रूह को नौ द्वारों में से निकाल कर सहस्तल कमल में ले आए, फिर सहस्तल कमल में से निकाल कर ब्रह्मा से ऊपर यानी पार ब्रह्मा में ले आए, वही साध है। जो पूर्ण साधना करे वही पूर्ण साधु है। सिर्फ रंगे हुए कपड़े पहनने से साधु नहीं बन जाता। दसवां खोल जाए जिन दीना, जहां कुलफ रहा मारा है। आगे सेत सुन्न है भाई, मान सरोवर पैठ अनहाई। अब दसवां द्वार आ गया, इसकी रोशनी सफेद है। वहां पर एक तीर्थ है जिसको कबीर साहिब मान सरोवर कहते हैं, और उपनिषदों को मानने वाले ऋषि मुनि उसे प्रयाग और त्रिवेणी कहते हैं। आदमी के अंदर ही गंगा है, अंदर ही यमुना है, अंदर ही सरस्वती है। जहाँ पर इनका संगम होता है उसे प्रयाग कहते हैं। ऋषि मुनियों ने अंदर देखा है, लेकिन लोगों ने बाहर गंगा यमुना सरस्वती के संगम का नाम प्रयाग रख दिया। जब वाल्मीकि अभ्यास करके सूरत को ब्रह्मा में ले गए, अंदर की कुल रचनाएं देखें, तब रामचंद्र जी की पैदाइश से 10,000 साल पहले रामायण बनाकर रख दी। अब काल भगवान ने देखा कि मेरा सिस्टम इंतज़ाम खराब हो जाएगा, तब उसने ऐसी रचना रची ताकि दुनिया बाहर ही बाहर रह जाए, अंदर ना जा सके। इसलिए दुनिया वाकई बाहर मुखी हो गई। अब इस रमज यानी भेद को कौन समझे? तुलसी साहिब ने इस रमज को बड़ी अच्छी तरह खोला है। इस दसवें द्वार के प्रयाग को गुरु नानक देव जी अमृतसर कहते हैं। यहाँ जाकर मन माया 25 प्रकृतियाँ तीनों गुण पांचों तत्व उतर जाते हैं और आत्मा नंगी हो जाती है। वहाँ कोई शरीर नहीं, तब ये कहती है मैं आत्मा हूँ। फिर कहती है कि मेरा परमात्मा कौन है? सतपुरुष सतनाम है। अब जो अंदर नहीं जाते वे कैसे माने? संत कहते हैं कि आओ जीते जी ऊपर चलो, वे मरने का उद्धार नहीं रखते, बल्कि कहते हैं कि अब करो अब लो। हंसन मिली हंसा होई जाई, मिले जो अमी अहारा है। जहाँ तक माया है, माया के भोग हैं, वहाँ तक हमारी कौएं की वृत्ति है, कौएं की खुराक है विष्टा, यहाँ आत्मा की खुराक है भोग। जब ये स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर उतार देता है, अमृतसर में नहाता है, तब इसकी हंस गति हो जाती है। वहाँ ना इंद्रियां हैं ना मन, वहाँ निरोल यानी विशुद्ध आत्मा है। तब ये कहता है मैं आत्मा हूँ। उस अमृतसर को पीकर उसमें स्नान करने पर यह ऊपर रूहानी मंजिलों पर जाने के काबिल होता है। जिस तरह आदमी बीए पास करके किसी व्यवसाय में जाने के काबिल होता है, नहीं तो यह माया के पिंजरे का तोता है। केंगरी सारंग बजे सितारा, अक्षर ब्रह्मा सुन दरबारा। कहते हैं वे किसकी आवाज़ है? फिर खुद ही जवाब देते हैं कि किंगरी और सारंगी की। यही गुरु अमरदास जी कहते हैं, इस किंगरी ध्यान ना लागे, जोगी ना सच पाले पाए, जित किंगरी अनहद बाजे, हर सियु रहे लिव लाए। विण बजाई किंगरी वाजे, जोगी सा किंगरी बजाए, कहे नानक मुक्त होवे, जोगी साचे रहे समाए। ऐ योगी, ये जो तुम्हारे बाहर के बाजे हैं, ये घंटा दो घंटे बजा लोगे फिर बंद, मगर उस किंगरी की धुन जो तुम्हारे अंदर हर वक्त हो रही है, ऊपर चढ़ो और उसको सुनो। द्वादश भानु हंस उजियारा, खट दल कमल मंझारा, शब्द रंकारा है। ये 6 दल का कमल है, इसका मालिक ररंकार है। इस जगह पहुंचकर आत्मा की अपनी रोशनी 12 सूरज की हो जाती है, मगर 12 सूरज की रोशनी होने के बावजूद आत्मा आगे महाशून्य के मैदान को पार नहीं कर सकती।
वहाँ सतगुरु अपनी रोशनी के जरिए रूह को ऊपर ले जाता है। इस जगह का स्वामी रारंकार है। महासुन सिंध विश्मी घाटी, बिन सतगुरु पावे नहीं बाटी। बस अब रूह पारब्रह्मा के ऊपर, जिसको महासुन कहते हैं, पहुंच गई। कहते हैं वहां आठ दल का कमल है, वह बड़ी ऊंची यानी विश्व घाटी है, यानी आगे तिमिर खंड है, अंधेरा ही अंधेरा है। वहां आत्मा की अपनी 12 सूरज की रोशनी कुछ काम नहीं करती, लेकिन जब हम उसे पार करते हैं, सतगुरु शब्द स्वरूप में हमारे साथ होता है। सतगुरु सेवक की सूरत अपने में लीन करके इस मंडल से पार करा देता है। सतगुरु का अर्थ क्या है? अंधेरे में से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। जब ये एक बार अभ्यास करके सचखंड पहुंच जाए, फिर इसकी अपनी रोशनी हो जाती है। फिर महासुन के मैदान से पार होने के लिए इसको किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर कोई लड़का कहे कि मैं पहले ही पढ़ा लिखा हूँ, मैं उस्ताद से नहीं पढ़ूँगा, फिर उसे कौन पढ़ाए? जो कहते हैं कि हमें गुरु की ज़रूरत नहीं, मैं कहता हूँ कि उनको परमात्मा की भी ज़रूरत नहीं। व्याघ्र सिंह सर्प बहु काटी, तह सहज अंचित पसारा है। जिस तरह सहजदल कमल में जिज्ञासु को विरोधी शक्तियां प्यार से समझाती हैं कि हमारा कहना मान, आगे मत जा, हम तुम्हें यहाँ का बादशाह बना देंगे और अन्य भोगों के सामान दे देंगे, इसी तरह यहाँ पहुंचकर वे विरोधी शक्तियां डराती हैं। मतलब क्या? अगर प्यार से नहीं समझा तो डराकर मना लिया जाए। आगे तीन देश हैं, उनमें से जाने के लिए तीन ही रास्ते हैं। एक तरफ सहज द्वीप है, दूसरी तरफ अंचित द्वीप। हमें बीच में से जाना है। अष्ट दल कमल पार ब्रह्मा भाई, दहिने द्वादश अंचित रहाई। बाएं दस दल सहज समाई, यों कमलन निर्वारा है। इस जगह आठ दल का कमल है। दाहिनी तरफ जो अंचित द्वीप है, उसमें 12 दल का कमल है। बाईं तरफ सहज द्वीप है, जिसके अंदर 10 दल का कमल है। जो जो महात्मा अंदर गया, अपनी अपनी वाणी में निशानी देता गया। अब ये कबीर साहिब निशानी देते जाते हैं। पांच ब्रह्मा पांचों अंड बीनो, पांच ब्रह्मा नी अक्षर चीनो। कहते हैं महासुन के अंदर पांच बड़े बड़े भारी खंड हैं। यह हमारा खंड मृत्यु लोक, उनके सामने कोई चीज़ नहीं। अंदर बड़े बड़े जबरदस्त खंड हैं। हर एक खंड का अपना अपना ब्रह्मा है। वे खंड इस मसाले के नहीं, बल्कि वह मसाला और है। हमारा ये खंड मृत्यु लोक उन खंडों के मुकाबले में इस तरह है जिस तरह समुद्र के अंदर एक बाल। चार मुकाम गुप्त तहकीनों, जा मध बंदीवान पुरुष दरबारा है। आगे चार मुकाम हैं जिन्हें संतों ने अभी तक नहीं खोला। वे देखने से ही ताल्लुक रखते हैं। जो जो रूहें इन मुकामों में रहती हैं, उन्हें बंदीवान कहा गया है। उन्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं, सिवाय इसके कि ऊपर नहीं जा सकते, मगर उनकी आज़ादी का भी एक ज़रिया है। जिन जिन रूहों को मृत्यु लोक से संत कमाई करवाकर अपने साथ ले जाते हैं, उनके आगे वह महासुन की रूहें प्रार्थना करते हैं कि अपने सतगुरु के आगे हमारी सिफारिश करो कि हमें भी ऊपर ले जाएं। वे संत चाहें तो उन रूहों को साथ ले जा सकते हैं। अब जिन रूहों को पारब्रह्मा तक का गुरु मिला, वे वहाँ ही रह गए, आगे नहीं जा सकें। इसलिए संत कहते हैं कि पूरा गुरु ढूंढो। अब जिन्हें ब्रह्मा तक का गुरु मिला, वे ब्रह्मा में ही रह गए। सो कहते हैं
कि जिस तरह हम रात को लालटेन से अपना काम करते हैं, इसी तरह रूहें अपनी अपनी रोशनी से अपना काम करती हैं। उन्हें नाम का आधार है, लेकिन वे सतपुरुष यानी सतनाम में नहीं जा सकती। दो पर्वत के संत निहारो, भंवर गुफा ते संत पुकारो। आगे दो पर्वतों के बीच में एक शहर आता है जिसे भंवर गुफा कहते हैं। हंसा करते केल अपारो, तहां गुरन दरबारा है। वह असले सौ का देश है। वेदों वाले तो नीचे ही रह जाते हैं और कह देते हैं सोह चिह निस्बत खाक राबा आलमे पाक। भाव धुर दरगाह की गति से मातलोक की मिट्टी का क्या मुकाबला है। सहस 88 दीप रचाए, हीरे पन्ने लाल जड़ाए। कहते हैं वहाँ 88,000 दीप हैं जिनके अंदर वे रूहें रहती हैं जो कि कभी जन्म मरण के अंदर नहीं आई। उन दीपों और रूहों की खूबसूरती का हम वर्णन नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा हीरे पन्ने और लालों की मिसाल दे सकते हैं, मगर ये तो जड़ है, इसके विपरीत वह कोई और चीज़ है। मुरली बजत अखंड सदाए, तहां सोह झनकारा है। वहां सोह की आवाज़ है, उस स्थान को सोह कहते हैं। आई समझ? सोह का अर्थ है जो तू है सो मैं हूँ। बूंद समुद्र को देखकर कहती है मैं भी उसकी अंश हूँ, वह समुद्र है मैं बूंद हूँ। इस तरह रूह सतपुरुष को देखकर कहती है कि मैं सतपुरुष की अंश हूँ। वहाँ हर वक्त मुरली की धुन जारी है। सोह हद तजी जब भाई, सतलोक की हद पुनी आई। बस अब आत्मा सोहों को छोड़कर सचखंड आ गई। इस देश का मालिक सतनाम है। यहाँ सारी उत्पत्ति का जहूर आरंभ हुआ है। बूंद समुद्र में जाकर समुद्र बन जाती है। अब सतपुरुष रूह को अपने पास नहीं रखता, बल्कि आगे अनामी में भेज देता है। सतगुरु का फर्ज आत्मा को सतपुरुष की गोद में पहुंचाना है। उठत सुगंध महा अधिकाई, जा को वार ना पारा है। वह देश सचखंड पहले दरवाजे का खूबसूरत देश है। वहाँ अपार सुगंध है, अपार खुशी है। मतलब यह कि वह अनंत प्रेम का देश है। उसकी इस मंडल यानी संसार में कोई भी मिसाल नहीं। छोड़स भानु हंस को रूपा, बिना सूरत धुन बाजे अनुपा। वहाँ जाने वाली आत्मा की अपनी रोशनी 16 सूरज की है। जब तक 16 सूरज की रोशनी नहीं हो जाती, वहाँ सचखंड में प्रवेश नहीं मिलता। उस दरबार में पूरे 16 सूरज के नूर वाले को ही दाखिल किया जाता है। वहाँ बीन की धुन हो रही है। हंसा करत चवर सिर भूपा, सतपुरुष दरबारा है। ब्रह्मा तक रचना प्रलय में मिट जाती है और सौ तक महाप्रलय में। यह सतनाम का देश है जहाँ ना प्रलय जाती है ना महाप्रलय। जब हम इस देश में पहुँच जाएंगे, वहाँ ना जन्म है ना मृत्यु, ना दुख है ना सुख। अब जो जो सहजदल कमल में ही रह गए, वे बेचारे इस लाफानी देश की लीला को क्या समझें। जिन्होंने 10वीं कक्षा पास की है, उन्हें बीए एमए की क्या खबर। कोटीन भानु उदय जो होई, एते ही पुनि चंद्र लखोई। पुरुष रोम सम एक ना होई, ऐसा पुरुष दीदारा है। कहते हैं कि यदि करोड़ों देश और करोड़ों चंद्रमा की रोशनी इकट्ठी कर ली जाए तो भी सतपुरुष के एक बाल का मुकाबला नहीं कर सकते, फिर उसका सही अंदाज़ा क्या लगाओगे। अब ये सब परमात्मा ने इंसान के अंदर रखे हुए हैं। देखो ये कितनी कीमती मशीन है, मगर दुनिया को कोई खबर नहीं। आगे अलख लोक है भाई, अलख पुरुष की तह ठकुराई। अरबन सूर रोम समनाही,
ऐसा अलख निराहा है, ता पर अगम महल इक साजा, अगम पुरुष ताही को राजा, खरबन सूर रोम इक लाजा, ऐसा अगम अपारा है। देह स्वरूप सतगुरु का फर्ज है कि वह साथ होकर शिष्य की आत्मा को सतनाम की गोद में पहुंचाए। आगे सतपुरुष की अपनी ड्यूटी है कि वह उसे अपनी शक्ति देकर अनामी देश में पहुंचाए। अनामी देश सतपुरुष के पास पहुंचाकर सतनाम की ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो गई। अब जो अनामी देश है वह बेअंत, इसके बारे में तुम कुछ कह नहीं सकते। अब ये आठवीं मंजिल है, यह संतों का देश है। जो वेद शास्त्र हैं वे दूसरी मंजिल पर ख़त्म हो गए। फिर संत उन वेद शास्त्र वालों को क्या समझाएं? जो वेद शास्त्र हैं वे दूसरी मंजिल पर ख़त्म हो गए, फिर संत उन वेद शास्त्र वालों को क्या समझाएं? संत मत को पूरे तौर पर समझ लिया जाए तो किसी मज़हब की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। एक सत्संगी हुजूर, जिस तरह वह अनामी पुरुष अथाह है और उसका वर्णन करने के लिए ज़बान बंद है, इसी तरह यहाँ सतगुरु के स्वरूप का वर्णन करने के लिए भी ज़बान बंद है, वह कुछ नहीं कह सकती। महाराज जी, मगर इसको हजम कर लिया करो। भीखा बात अगम की कहन सुनन में नाही, जो जाने सो ना कहे, कहे जो जाने नहीं। यह तो हजम करने वाली बात है। ता पर अकह लोक है भाई, पुरुष अनामी तहां रहाई, जो पहुंचा जानेगा वाही, कहन सुनन ते न्यारा है। काया भेद किया निर्वारा, यह सब रचना पिंड मंझारा, माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। इसके ऊपर अकह लोक है जिसको अनामी भी कहते हैं। यहाँ पहुंचकर सारे संत महात्मा चुप हो गए। अब कबीर साहब कहते हैं कि शरीर के अंदर जो रचना रची हुई है मैंने उसका बयान कर दिया है। यह बात समझने वाली है, आदमी के अंदर तो सब कुछ मौजूद है लेकिन विरोधी ताकतों ने उस पर पर्दा डाला हुआ है। विरोधी शक्तियां कौन सी हैं? माया और काल, जिनकी लोग पूजा करते हैं वे ही उन्हें खाते हैं। माया और काल हमारे रास्ते की रुकावट हैं। काल आत्मा को बना नहीं सकता, काबू में रख सकता है और आत्मा को बाहर नहीं जाने देता। जैसे स्वर्ग भी देता है वैकुंठ भी देता है, संत आकर इसका पर्दा फाड़ देते हैं। वे कहते हैं, ऐ शिष्य तुझे जीते जी प्रलय महाप्रलय से आगे सचखंड ले चलते हैं। अब काल ने क्या धोखा दिया है और माया ने क्या, यह आगे कहते हैं। आदि माया किन्हीं चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। अंदर चक्रों के तीन दर्जे हैं, पहला पिंड, दूसरा अंड, तीसरा ब्रह्मांड। जो ब्रह्मांड के छह चक्र हैं उनका प्रतिबिंब अंड के छह चक्रों पर पड़ता है और जो अंड के छह चक्र हैं उनका प्रतिबिंब पिंड के छह चक्रों पर पड़ता है। यह माया का धोखा है। अब जो ब्रह्मांड है संत ही वहाँ जीवों को ले जाएं तो ले जाएं, नहीं तो कुछ पिंड में भटक गए और कुछ अंड में, आगे नहीं गए। अब इस भेद को, इस पर्दे को संतों ने ही खोला है। वे कहते हैं कि ऐ शिष्य आ ऊपर और देख कि माया ने क्या जाल रचा है। फिर संत इसको ब्रह्मांड में ही नहीं छोड़ देते बल्कि सचखंड में ले जाते हैं। अवगति रचन रची अंडमाही, ता का प्रतिबिंब डारा है। बस यहाँ ब्रह्मांड के चक्रों का प्रतिबिंब नीचे अंड में आ गया, वहाँ काल ने भुला दिया। यहाँ पिंड में अंड का प्रतिबिंब दिखाकर माया ने भुला दिया। सबद विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दई तारी। अब अभ्यासी जिस वक्त अभ्यास करना शुरू करता है उसे क्रमवार चार चालें अपनानी पड़ती हैं। पहली चींटी चाल,
दूसरी मकड़ी चाल, तीसरी मीन चाल और चौथी विहंगम चाल। पहले सुमिरन द्वारा आत्मा नौ द्वारों में से बहुत धीरे धीरे निकलती है। जिस तरह चींटी बड़ी मुश्किल से दीवार पर चढ़ती है, गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, यह बड़ा लंबा कोर्स है। यहाँ प्रेम और विश्वास का काम है। अगर पूरा प्रेम और पूरा विश्वास होगा तो आत्मा ऊपर चली जाएगी। आगे मकड़ी मार्ग है। जिस तरह से मकड़ी तार के जरिए छत से नीचे उतरती है और खा पीकर फिर तार के जरिए ऊपर चढ़ जाती है, इसी तरह आत्मा जब ऊपरी मंडलों पर आना जाना शुरू करती है तो इसकी चाल तेज से तेज हो जाती है। तीसरा मीन मार्ग है। मछली चढ़ाई की आशिक है। 50 फुट की ऊंचाई से धार गिरती हो तो भी मछली फौरन चढ़ जाती है। चौथा विहंगम मार्ग यानी पंछी मार्ग है। जिस तरह पंछी एक पहाड़ से उड़ा, दूसरे पर जा बैठा और दूसरे पहाड़ से उठा ज़मीन पर आ बैठा, इसी तरह यहाँ आंखें बंद की, सचखंड चले गए, आंखें खोली और वापस शरीर में आ गए। कबीर साहिब कहते हैं कि मेरा विहंगम मार्ग है। फिर कहते हैं कि यह मार्ग मुझे किसने बताया? सतगुरु ने। उन्होंने रास्ता दिखाया, मैं कमाई करके यहाँ आ गया। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। कहते हैं अगर संतों का देश देखना है तो पिंड और अंड के दोनों देशों को छोड़ दो और ब्रह्मांड में आ जाओ, फिर सचखंड में चलो, उस देश में माया का दखल नहीं। गुरु प्यारी साध संगत जियो, आज का ये रूहानियत से भरा सत्संग यहाँ पे समाप्त होता है। ऐसे ही और सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि आप कोई भी सत्संग मिस ना कर सकें। मौजूदा सरकार की तरफ से आपको आशीर्वाद, प्यार। राधा स्वामी जी।